अस्सलाम वालेकुम के एन एस टी में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूँ पीरजादा शारिक। नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियां के डिग्री कॉलेज में कायम एडिटोरियम हॉल में। यहाँ पर फ़ौज की जानिब से एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, जिसे नाम दिया गया शोपियां लिटरेचर फेस्टिवल, यानि अदबी जो फेस्टिवल यहाँ पे मुनक़द किया गया था। ये फेस्टिवल इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से डिग्री कॉलेज शोपियां के एडिटोरियम कायम किया था। स्कूली बच्चों ने शिरकत की इस प्रोग्राम में। यहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान आए थे, जिन्होंने अपनी मोटिवेशनल स्पीच से बच्चों को मोटिवेट किया। इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि जो भी यहाँ पर मेहमान आए थे वो शिरकत करें। जो भी बच्चों का मकसद है ज़िंदगी में कामयाब हो, लेकिन या फिर जहनी दबाव की वजह से इनमें काफ़ी परेशानियां देखी जा रही है, इस हवाले से जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां में आम हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए थे और स्पीकर्स ने ऐसी स्पीच दी, वाकई में वो दिलचस्प स्पीच, जिनसे बच्चे मोटिवेट हुए। और इनका भी यही कहना था कि ऐसे अल्फाज, ऐसे मोटिवेशनल स्पीच हमने इससे पहले नहीं सुनी, तो मुस्तकबिल में ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो भी ऐसे प्रोग्राम होंगे मुनक़द होने, चाहे वो चाहे स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज में हो, या फिर कहीं किसी भी जगह हो, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो संवर जाए। यही पहल करते हुए इंडियन आर्मी या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर अगर हम यूटी इंतज़ाम की बात करें, यही पहल कर रही है कि बच्चे जो काफ़ी जहनी दबाव में मुबतला है, अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो पिछले कई सालों से जहनी दबाव में मुबतला बच्चे थे, इनके लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे थे। गर्ल्स हाई सेकेंडरी शोपियां से जी सर, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था, मोटिवेटिव था और बहुत अच्छा लगा, और कनेक्ट हो पा रहे थे जो भी ऑडियंस, उनके साथ स्पीकर्स के साथ कनेक्ट हो रहे थे अच्छी तरीके से। सर आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम्स अगर होंगे तो, जो बच्चे जो अनअवेयर है वो अवेयर हो जाएंगे और अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे, अपना कैरियर चूज़ कर पाएंगे अच्छे से। जी नहीं सर, इससे पहले नहीं किया था, आज ही पहली बार किया सर। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पहले हमें पता ही नहीं था क्या होने वाला था, और जब हम अंत पे पहुँचे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सर, बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो हमें ऐसे नहीं मिलता रियल लाइफ में, लेकिन आज मिला। आपका नाम क्या है? सर अनुशाल। किस क्लास में हो? सर 10th क्लास में। कहाँ से आए? गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां। कैसे कैसा लगा आपको यहाँ? सब बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग था, बहुत ज़्यादा एनकरेज हुए इस प्रोग्राम से। क्या आपको लग रहा है सब बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो स्पेशली कश्मीर के बच्चे हैं वो बहुत पीछे रह गए बाकी स्टेट्स के बच्चों के कंपैरिजन में। सब बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें सीखने को मिला कि हमें अपने आप को मॉडिफाई कैसे करना है, हाउ टू मैनेज आवर टाइम, जस्ट हाउ टू बी कंटिन्यूस ऑन आवर स्टडीज, या अलग चीज़ें स्पोर्ट्स में कैसे आपको करियर बनाना है। अभी तक हमने सुना ही नहीं था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी भी है, अब हमने वो भी सुना। यस सर जी, बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स थे जो हमने सीखे यहाँ से, बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो नए थे। थैंक यू। तो मुझे लगता है उसको भी लोग टाइम पास ही करते होंगे ज़्यादातर। तो किसने करियर बनाया अभी तक स्पोर्ट्स में, वो बात कर रही है। तो में टाइम पास ही किया, किसने भी स्पोर्ट्स में कैसे करियर बनेगा, नहीं ट्राई की होगी ना। आपके कॉलेज में एक डायरेक्टर बैठा है स्पोर्ट्स का, बैठा है, क्या नाम है उनका? लतीफ साहब। हाँ पीछे बैठा। आप लोगों में से कितने बच्चे आज तक इनसे मिले हैं ये पूछने के लिए कि हम जुजुत्सु? और आपकी क्या एक्टिविटी? देखो 24 घंटे आप नहीं पढ़ सकते।
सब शिपिंग के लोग जानते हैं, सब हम भी आहिस्ता आहिस्ता इसको जानने लगे तो काफ़ी काम करते हैं। और मीठी आवाज़ से जब भी कोई कैंपेन करते हैं बड़ी मीठी आवाज़ के साथ लोगों को, जैसा आपको निकलना पड़ा तो उनके भी यहाँ पे सबसे पहले आपका मान भी बहलाया और अपने बातों से आपको मोटिवेट भी किया कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ऐसे उसको लोग ताने दे रहे थे कहाँ से कहाँ, और इस आइडिया दिए बच्चों के साथ, तो मुझे वो बहुत अच्छी पसंद आई क्योंकि बहुत आगे है, मैंने इतने नहीं देखा। और बच्चों की जो